तुम्हें क्या हो गया था अहमर? हमदर्दी करने में और हिमाकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे लिए तो ये यकीन करना ही मुश्किल है। कह दो कि ये झूठ है। जो सच था मैंने आपको बता दिया मारुख। मुझे तमीजुद्दीन साहब की हालत ही देखी जा रही थी, वो बहुत हार मिल गया तुम्हारा तमीजुद्दीन साहब, लालची है एक नंबर का वो बुढ़ा। कैसी बातें कर रही हैं आप मारुख? अपनी क्लास करनी तो उनकी उम्र का लिहाज कर ले। ये सारा ड्रामा तुम्हारी हमदर्दी और दौलत हथियाने के लिए रचाया गया था। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? हर चीज दौलत की नहीं होती। इंसान की बेइज्जती का गम उसे मार देता है। उस वक्त उनकी इज्जत का सवाल था। बारात मेरे सामने वापस गई थी। उन जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। और तमीजुद्दीन है क्या? हमारी कंपनी का एक मामूली सा वर्कर? खुद सोचो तुम, क्या वो इस काबिल है कि उसकी बेटी के लिए हम रिश्ता लेकर जाते? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। जो होना था वो हो गया। अब इस मौजू पे मजीद बात ना करें तो बेहतर है। उस लड़की की बारात वापस जाने की असल वजह बताओ मुझे। बताया तो था, लालची लोग थे, उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही थी। बस यही या कोई और बात ही थी? कितनी बार बताऊंगा, यही बात थी। मान लेती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद देखूंगी मुझे क्या करना है।